नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर प्रदेश के सीकर जिला मुख्यालय से है, जहां आज मदद और मातृशक्ति फाउंडेशन की महिलाओं ने सरपंच हरिओम कंवर के निवास स्थान पर हर वर्ष के साथ तुलसी पूजन और वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 40 महिलाओं ने भाग लिया। सरपंच हरिओम कंवर ने कहा कि इस कार्यक्रम मनाने का उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। इस अवसर पर नीतु त्यागी ने कहा कि हमारा देश साधु संतों का है और तुलसी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अंजू अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर तुलसी संघ सेल्फी की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विनर नए साल में घोषित किए जाएंगे। फाउंडेशन की साधना सेठी ने कहा कि पिछले साल भी ये आयोजन किया गया था और महिलाओं ने इसमें जबरदस्त भागीदारी निभाई थी। इस आयोजन में सीकर से अंजू अग्रवाल, सरोज शाह, विमला खोखर, सुमन कंवर, सरोज कंवर, सुनीता बगड़िया, सुनीता कंवर, रुक्मणी देवी, सोनी देवी, विमला देवी, गीता देवी, मैना देवी, मुकेश कंवर सहित अन्य महिलाएं शामिल रही। सीकर से साधना सेठी की विशेष रिपोर्ट। जय श्री श्याम सभी को। आज मदद फाउंडेशन और मातृशक्ति फाउंडेशन की महिलाओं ने मिलकर के इस तुलसी दिवस का आयोजन किया है, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस आयोजन को मनाने का उद्देश्य यही है कि हमारा जो भारत देश है वो संता का नहीं होकर के साधु संतों का देश है। तो हम अपने बच्चों को एक संस्कृति के रूप में बताना चाहते हैं कि हमें तुलसी को पूजन करते रहना चाहिए। और इसके साथ ही हमने आज एक प्रतियोगिता का आयोजन भी रखा है, जिसमें हमने राजस्थान की जितनी भी महिलाएं हैं उनसे एक सेल्फी मंगवाई है तुलसी पूजन के साथ में, और उसमें सभी महिलाओं ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई है। और इसके विनर जो हैं वो हम 1 जनवरी को घोषित कर देंगे। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है ये सरपंच हरिओम जी के घर पर रखा गया है और इन्होंने बहुत ही अच्छी तैयारी की। खमागणी आज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरे निवास पे ये मातृशक्ति फाउंडेशन की लेडीज़ों ने सब ने मिलकर बहुत अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया है और बहुत ही अच्छा लगा। और ये अपना भारत देश जो है ये संतों का देश है, सेंटा क्लॉज का नहीं है।